आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। दिल्ली में अभिमन्यु की तरह घिर गए हैं सुदेश महतो। उपचुनाव में विपक्षी महागठबंधन और आजसू की प्रतिष्ठा दांव पर। बड़ा सवाल, महागठबंधन जीतेगा या निकल जाएगी उसकी हवा? भाजपा समर्थकों के गुस्से से सुदेश महतो के छूट रहे पसीने। रामटहल चौधरी की भ्रिकुटी भी तन गई है सुदेश के खिलाफ। राजनीति में अनाड़ी सीमा महतो की होने लगी है चौक चौराहों पर चर्चा। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। हम बात कर रहे हैं सिल्ली विधानसभा उपचुनाव की, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। हालांकि चुनाव में उनका मुकाबला राजनीति की अनाड़ी और झामुमो के पूर्व विधायक अमित महतो की पत्नी सीमा महतो से है, लेकिन सिल्ली में विपक्ष के महागठबंधन के कारण उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। यहाँ चौक चौराहों पर सीमा महतो के नाम की चर्चा होने लगी है। अगर हम नेताओं की चर्चा की बात करें तो सीमा महतो का पलड़ा कहीं से भी सुदेश महतो से हल्का नहीं है, बल्कि उनके पक्ष में बोलने वालों की संख्या ज्यादा ही लगती है। इसका कारण ये है कि हर चौक चौराहे पर झामुमो कांग्रेस राजद छाविमो सीपीआई सीपीएम का कोई न कोई नेता जरूर है, जो इन दिनों सिल्ली विधानसभा की सूचनाओं से लवरेज है और हर दिन चौक चौराहों पर चर्चाएं कर रहा है। वहीं आजसू के नेताओं की संख्या सिल्ली में कम है, यहां सब कुछ सुदेश महतो हैं। ऐसे में सब चर्चाएं होती हैं तो आजसू का कोई एक या दो नेता ही उसमें शामिल होता है, जबकि झामुमो के पक्ष में महागठबंधन के सारे नेता तारीफों के पुल बांध रहे हैं। महागठबंधन के कारण झामुमो के पास कार्यकर्ताओं की लंबी कतार भी हो गई है। शहर ब्लॉक और बूथ स्तर तक झामुमो समर्थक कार्यकर्ता प्रवेश कर गए हैं और प्रचार अभियान से सीमा महतो के पक्ष में फिजा तैयार कर रहे हैं। जो व्यक्ति सिल्ली का नहीं है और कहीं बाहर से सिल्ली गया है तो वो चुनावी चर्चा सुनकर यही निष्कर्ष निकालेगा कि सिल्ली में सीमा महतो आगे हैं और इन चर्चाओं का ब्रांडिंग और ओपिनियन मेकिंग में बड़ा असर होता है। यही कारण है कि अब सीमा महतो की चर्चा रांची शहर में भी होने लगी है। भले ही बैनर पोस्टर और भोंपू के प्रचार में सीमा महतो सिल्ली में कमजोर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन माउथ टू माउथ कैंपेनिंग में वे सुदेश महतो से कहीं से 19 नहीं हैं, बल्कि कई जगहों पर उन्हें 20 भी कहा जा सकता है। यही प्रचार अभियान सुदेश महतो के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। इन प्रचार अभियानों का ओपिनियन मेकिंग में बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये सुदेश महतो भी जानते हैं। इसलिए वे 16-16 18-18 घंटे कैंप कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में सुदेश महतो की परेशानी भाजपा कार्यकर्ताओं से भी है, क्योंकि गोमिया में आजसू ने भाजपा की बात नहीं मानी और वहाँ से उसने भाजपा उम्मीदवार माधव लाल सिंह के खिलाफ लंबोदर महतो को आजसू उम्मीदवार बना दिया। इसलिए सिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ता खार खाए हुए हैं। वे अंदर ही अंदर सुदेश महतो से खफा हैं और चुनाव में उन्हें सबक सिखाने को तैयार बैठे हैं। ऐसे भी सिल्ली में भाजपा सांसद रामटहल चौधरी के समर्थकों की संख्या कम से कम 20,000 के आसपास है। रामटहल चौधरी भी अंदर अंदर सुदेश महतो को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं और वे कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सिल्ली से सुदेश महतो की विधानसभा में वापसी हो। दरअसल रामटहल चौधरी 2014 के लोकसभा चुनाव में सुदेश महतो से खफा हो गए, जब सुदेश महतो ने लोकसभा से नामांकन कर दिया और रामटहल चौधरी को सीधी चुनौती दे दी। ये चुनौती सिर्फ रांची लोकसभा की नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं ये संदेश भी देना था कि कुर्मियों का नेता कौन है। उसका खामियाजा तो लोकसभा में सुदेश महतो को उठाना ही पड़ा। उसके बाद बराबर के लिए सुदेश महतो और रामटहल चौधरी के बीच दरार पैदा हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो की हार में उनके सहयोगी दलालों और चंगू मंगू की भूमिका तो थी ही, रामटहल चौधरी भी एक बड़ा कारण थे, जिनके समर्थकों ने सुदेश महतो को हराने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा और आजसू का गठबंधन था
और रामटहल चौधरी के समर्थक खुलकर सुदेश महतो का विरोध नहीं कर पाए थे, क्योंकि सुदेश महतो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ चुनावी सभाएं कर रहे थे। वैसी परिस्थिति में भाजपा के कट्टर समर्थकों का कुछ वोट सुदेश महतो को मिला था, लेकिन इस बार चूंकि भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर भी सुदेश महतो के साथ नहीं है, उन्होंने गोमिया में आजुसू का उम्मीदवार देकर भाजपा को चुनौती दे दी है। वैसी परिस्थिति में भाजपा के मतदाता और समर्थक हर हाल में ये चाहेंगे कि सुदेश महतो की सिल्ली से विधायक के रूप में वापसी नहीं हो, और यही कारण है कि सीमा महतो की चर्चा अब हर तरफ होने लगी है, जबकि वे कहीं से भी राजनीतिक चेहरा नहीं है। इस बात को शायद सुदेश महतो भी समझ रहे हैं और उन्हें भाजपा समर्थकों के गुस्से का आभास हो रहा है। यही कारण है कि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और दिन रात सिल्ली में कैंप कर रहे हैं। अब देखना यह है कि एक तरफ झामुमो के पक्ष में महागठबंधन, दूसरी तरफ सिल्ली में भाजपा समर्थकों का सुदेश के खिलाफ काम करना, और तीसरा सांसद रामटहल चौधरी की हर हाल में ये चाहत कि सुदेश महतो सिल्ली से पराजित हो जाएं का मुकाबला सुदेश कैसे करते हैं। ये कम बड़ी चुनौती नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुदेश महतो अगर अब तक सिल्ली के चुनाव मैदान में दमदार उपस्थिति बनाए हुए हैं, तो उसके पीछे आजसू पार्टी का कोई योगदान नहीं, बल्कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सिल्ली में जो काम किया था, उसी पूंजी के सहारे वे चुनाव की वैतरणी पार करने का सपना देख रहे हैं। भले ही सुदेश महतो के समर्थक इस बात से सहमत नहीं है कि सीमा महतो उन्हें टक्कर भी दे सकती है, लेकिन ये उनकी बड़ी भूल होगी। वहां सुदेश का मुकाबला अमित महतो की पत्नी सीमा महतो से नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति के धुरंधर दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनके पुत्र हेमंत सोरेन से है। उनका मुकाबला वहां कांग्रेस, छविमो, राजद, सीपीआई, सीपीएम के महागठबंधन से है। उनका मुकाबला भाजपा के सांसद रामटहल चौधरी और उनके समर्थकों से है, जो इसलिए गुस्से में है कि आजसू ने गोमिया में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ लंबोदर महतो को उतार दिया, जबकि पिछले चुनाव में आजसू ने वहां भाजपा का समर्थन किया था और कहीं से भी गोमिया में आजसू का दावा नहीं बनता था। इन परिस्थितियों का मुकाबला सुदेश महतो कैसे करते हैं, ये समय बताएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति यही है कि आज की तारीख में सुदेश महतो सिल्ली में अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वे अगर चक्रव्यूह को भेदने की रणनीति ढूंढ लेते हैं तो उनकी वापसी सिल्ली में संभव है, वरना सीमा महतो को अनाड़ी समझना उनके लिए घातक होगा। कुल मिलाकर आज की तारीख में सिल्ली में सुदेश महतो की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरी तरफ यहां विपक्ष के महागठबंधन की अग्नि परीक्षा भी है। अगर विपक्ष सुदेश महतो को यहां पटकनी दे देता है तो अगले विधानसभा चुनाव के लिए उसे संजीवनी मिल जाएगी, और अगर वो हार जाता है तो उसकी हवा निकल जाएगी। फिलहाल इतना ही। आगे देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।